राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई सालों से चले आ रहे संघर्ष में आम राजस्थानी तो शामिल हैं ही, फिल्मकार भी अपनी फिल्मों के माध्यम से समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब राजस्थानी फिल्मकार, गायक, डांसर व फिल्मों में काम कर चुकी जानी मानी हस्तियां भी आगे आई हैं, जिनमें शामिल हैं विजया राजस्थानी, मुंबई निवासी जो कि जानी मानी गायक व अदाकार हैं। इन्होंने राजस्थानी फिल्में सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। इन्होंने सुपातर बिंदड़ी, राधु की लक्ष्मी आदि में पावरफुल रोल किया है। ये हैं क्षितिज कुमार जो कि 1980 से फिल्मों में कार्य कर रहे हैं। ये उदयपुर की बाल कलाकार विप्रा मेहता को सरपेन सीरियल में 50 एपिसोड कर चुकी हैं, साथ ही कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इनके अलावा कई अन्य फिल्मकारों ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए ऑल इन वन न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है। राम राम, मैं जुगल के नायक राजस्थान से हूँ, मुंबई में रहूँ। मैं एक नाटककार भी हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, फिल्म डायरेक्टर भी हूँ। मैं अपने नाटक के माध्यम से, फिल्मा के माध्यम से, मेरी मायर भाषा राजस्थानी भाषा ने अपने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेश में भी प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हूँ। मैं पूजा जांगे, डांसर और थिएटर आर्टिस्ट जयपुर से। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कई रीजनल भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन राजस्थान जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी की भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? जबकि लोग यहाँ की कल्चर, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावे को बहुत पसंद करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी भाषा का कोई महत्व नहीं है। तो क्यों ना हम एक कदम उठाएँ और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं। चलो सगला साथ में, क्यों ना राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावा। जय हिंद। जय जय सियाराम, ओम सायराम जी। मेरा नाम आनंद पारिक है, मेरो जन्म मुंबई में हुयो। मैं थाने में रहूं और मैं राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू पिलानी से हूं, और 25 साल से मेरो राजस्थानी रंगमंच से नातो रहो है। मैं मारवाड़ी नाटक करूँ हूँ, हिंदी नाटक भी कराया है और कमर्शियल एड्स भी कराया है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी अपना मारवाड़ी लोग है, वहाँ मैं दरख्वास्त करूँ कि अपने घर घर में मारवाड़ी भाषा को चलन होना चाहे, और राजस्थान सरकार से मैं या विनती करूँ, विशेष विनती करूँ कि अपनी भाषा मारवाड़ी ने राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहे। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जेकी लदानी। दोस्तों, आपने मुझे काफ़ी सारे टीवी शोज में देखा होगा, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे राजस्थान की। जी हाँ, मैं राजस्थान के गंगापुर सिटी से, छोटे से शहर से निवास करता हूँ। दोस्तों, बात आती है राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। राम राम साहब, मैं नेहा जैन, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मैं राजस्थान सरदार शहर से बिलोंग करती हूँ। आपने मुझे कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा और आपके राजस्थानी पिक्चर में भी देखा होगा, नानी बाई को मारो। जी हाँ, मैं नानी बाई के मायरों में नानी का किरदार निभा रही हूँ और मेरी आने वाली फिल्म मारो घर मारो मंदिर। मुझे राजस्थान का पहरावा, राजस्थान का खान पान, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। फिर भी एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारा राजस्थान हर बात में अच्छा है, हर बात में आगे है, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलती? चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर एकजुट होकर राजस्थानी भाषा को मान्य। आमार नाम देव। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम देव है और मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर राज्य की अपनी एक भाषा है, और हर भाषा को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप पंजाब जाएंगे तो आपके पास पंजाबी है, आप बंगाल जाएंगे आपके पास बंगाली लिखित में है, आप साउथ जाएंगे मलयाली मिलेगी आपको लिखने में। पर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, जिसके कारण पिछले कई दशकों से राजस्थानी सिनेमा को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए काफ़ी वर्षों से आंदोलन भी चलाया जा रहा है। तो मेरा ये नवीन निवेदन है आप सब से कि इस राजस्थानी सिनेमा में चल रहे आंदोलन में आप सब हमारा सहयोग करें और हमारी भाषा राजस्थानी को मान्यता दिलाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। വണക്കം, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് രഞ്ജു മുരുകൻ ആചാര്യ എന്നാണ്. ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. യെസ്, മേ ഇക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹൂ. പർ മേരി പർവരിഷ്
और मेरा जन्म राजस्थान की भूमि में हुआ है। मुझे राजस्थानी कल्चर से, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोल, यहाँ की भाषा से बहुत प्यार है। हमारी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी राजस्थानी भाषा को माने। नमस्ते, मेरा नाम सुरभि सोनी है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थानी फिल्मी जगत में अपनी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए काफी वर्षों से संघर्ष चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी इसमें अपना योगदान दें और सरकार से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने में सभी मदद करें। धन्यवाद। हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्षितिज कुमार। As you know, nowadays we have been trying to request government, please recognize our Rajasthani language. I know most of young generation, people like you, youngsters, they don't know Rajasthani language. Even some of them don't understand. I know that. I know the reason also. Because most of the people think that Rajasthani language is related with illiterate persons. Mostly people, those who are not educated, they used to speak Rajasthani language. राधे राधे सा, बड़ा ने नमन और छोटा ने प्यार। मैं मुंबई में रहूँ, मेरा नाम विजया राजस्थानी है। भाई विजया राजस्थानी, जो राजस्थानी फिल्मा के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाया है, मेहंदी रची थारे हाथा में, कितनों बड़ो मेरो भाग है मैया, एरी छोरी मालन की और सासू बेटो बेटो ना कर, सुपात्र बिन्नी की भुआ कुण मैं, और राधुरी लक्ष्मी की काकी कुण मैं, मेरी आन हाड़ी फिल्मा है जीवती रे बेटी और माटी हेलो पाड़े रे बैकी माँ। मने राजस्थानी भाषा बहुत अच्छी लगे। मैं राजस्थान में जन्म तो को नहीं लियो, पर राजस्थानी भाषा मने जीवनदान दियो है। ऐ खातर मारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी जाए, ऐको मैं समर्थन करूँ। जय जय राजस्थान। खम्मा गणी राजस्थान, मैं विप्रा मेहता आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए आप सब आ गया है और सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मान मिले। मैंने कई सारी राजस्थानी सीरियल और फिल्मों में काम किया है और मैं चाहती हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मान मिले। हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।